नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे सेलिंग और एडवर्टीजमेंट की, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले सेलिंग को पढ़ लिया था। सेलिंग के जितने भी कॉन्सेप्ट आप सभी को समझने हैं, वे सारे के सारे वीडियोस आप सभी को हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप वहाँ जा करके सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं और हमारे वेबसाइट पर जा करके नोट्स बना सकते हैं। हम लोग अब समझ रहे हैं एडवर्टाइजिंग को, और एडवर्टाइजिंग में हम लोगों ने पिछले वीडियोस में लगभग 7 कॉन्सेप्ट को समझ लिया था। आज हम लोग 8वें कॉन्सेप्ट में हैं और हमारा 8वां टॉपिक है कि विज्ञापन योजना, यानी एडवर्टाइजिंग प्लानिंग। किस तरीके से कोई भी कंपनी अपने एडवर्टाइजिंग के लिए प्लानिंग करती है। आप लोगों ने प्लानिंग के बारे में बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़ा होगा किस तरीके से कि प्लानिंग क्या होती है। अब उसी प्लानिंग को हम लोग पढ़ने वाले हैं एडवर्टाइजिंग के प्रोस्पेक्टिव में, यानी विज्ञापन के लिए कोई भी कंपनी अपने वहाँ पे किस तरीके से प्लानिंग करती है, इन बातों को हम लोग समझेंगे। यदि आपके पास कोई प्रश्न होता है तो निश्चय ही आप लोग उन सारे के सारे प्रश्नों को भेजें, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग जरूर देंगे। आप हमारे वेबसाइट www.aashishcommerceclasses.com पे जा करके अपने सारे के सारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं जो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ समझने वाले हैं कि विज्ञापन योजना, यानी जो योजनाएं विज्ञापन से संबंधित होती हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसको मैं रीड आउट कर देता हूँ और समझा देता हूँ। कहा गया है कि किसी कंपनी के समुचित विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके व्यापार से संबंधित सारी क्रियाएं सही तरीके से संचालित हों। ये अच्छी बात है कि अगर कोई भी कंपनी चाहती है कि उसका समुचित विकास हो, समुचित विकास होने का मतलब क्या है, उसके जितने भी फैक्टर्स हैं सारे के सारे फैक्टर्स सही तरीके से काम करें और कंपनी का ओवरऑल ग्रोथ हो। ठीक है, ये बात होती है, इसमें विज्ञापन भी शामिल होता है। अब जो भी हमारे पास विज्ञापन होता है, विज्ञापन भी क्या है, एक क्रिया है किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि जो भी उत्पादन हो रहा है किसी भी कंपनी में, वो उत्पादन उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है लोगों तक अगर नहीं पहुंचता है, तो लोगों के पास अगर इन्फॉर्मेशन नहीं जाता है तो जनता को उसके बारे में मालूम नहीं चलेगा, और जनता को उसके बारे में अगर मालूम नहीं चलेगा तो जनता उसके लिए इन्फ्लुएंस नहीं होगी और उस गुड्स को नहीं खरीद पाएगी। इसलिए एडवर्टीजमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी भी कंपनी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर विज्ञापन की बात की गई है, क्योंकि विज्ञापन के द्वारा ही उत्पाद से संबंधित सभी सूचनाएँ लोगों तक पहुँचाई जाती हैं। इसलिए अन्य प्रबंधकीय क्रियाओं की तरह विज्ञापन नियोजन भी अति आवश्यक हो जाता है। मैंने आपको समझाया ही है कि जो भी विज्ञापन है उसी के द्वारा लोगों के पास सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं, इसलिए विज्ञापन बहुत जरूरी है, जो भी तमाम तरह के मैनेजरियल फंक्शन है उसी की तरह। विपणन प्रक्रिया में विपणन योजना जितना प्रभावशाली होता है, प्रभावशाली होगा, उतना ही प्रभावशाली विज्ञापन योजना भी होगा। यानी जो भी मार्केटिंग प्रोसेस है उसमें जो भी मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी प्लानिंग हुई, वो जितना इफेक्टिव होना चाहिए उतना ही इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट भी होना चाहिए। ये बात आपको समझनी है। ठीक है, आगे कहा गया है कि विज्ञापन योजना को निम्न रूपों में समझा जा सकता है, और जब कोई भी कंपनी किसी भी प्रोडक्ट के लिए विज्ञापन से संबंधित योजनाएं बनाती है, तो वह योजनाएं किस तरीके से बनाई जाती हैं, किन रूपों में बनाई जाती हैं, उसको हम लोग इन सारे के सारे पॉइंट्स में समझेंगे और जानेंगे। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बताने का प्रयास करता हूँ, आप लोग अपने बुक्स को या फिर नोट्स को प्रेफर कर सकते हैं अच्छे से समझने के लिए। यहाँ पे पहला कहा गया है सूक्ष्म तथा स्थूल पर्यावरण का अध्ययन, यानी स्टडी ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो एनवायरनमेंट। जो भी बिजनेस से रिलेटेड हमारे पास सूक्ष्म और वृहत, यानी स्थूल यहाँ पे कहा गया है, जो भी एनवायरनमेंट होता है कंपनी क्या करती है, उसको सही तरीके से उसका अध्ययन करती है, देखती है कि कंपनी के वहाँ पर कंपनी का जो भी इंटरनली मैनेजमेंट है वह कैसा है, जो भी एक्सटर्नल फैक्टर है वो कैसे हैं, पॉलिटिक्स कैसी है, इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो रहा है, जो भी कंपटीटर हैं वे कैसे हैं, किस तरीके से प्राइस में फ्लक्चुएशन आ रहा है रिलेटेड गुड्स के, इन तमाम तरह की बातों का अध्ययन कंपनी के द्वारा किया जाता है। ठीक है,
अगला है संगठनात्मक लक्ष्यों की स्थापना, यानी सेटिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। अब जब कभी भी कंपनी क्या करती है, पहले पॉइंट में माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट को देख लेती है, उसकी स्टडी कर लेती है, फिर उसके बाद से जो भी कंपनी है उसके लिए जो भी लक्ष्य होते हैं, उसके जो गोल्स होते हैं, उनको डिसाइड करती है कि कौन कौन से लक्ष्य होने चाहिए मार्केटिंग के प्रोस्पेक्टिव में। ठीक है, तीसरा है लक्ष्य बाजार को परिभाषित करना। कहने का मतलब है कि जो भी टारगेट मार्केट है उसको डिफाइन करना, यानी जो भी कंपनी है किस मार्केट को टारगेट कर रही है ये बात ध्यान रखा जाता है, क्योंकि उसी के हिसाब से तो एडवर्टीजमेंट होगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर अगला आता है चौथा, बाजार अनुसंधान का संवहन, यानी कंडक्टिंग द मार्केट रिसर्च। फिर जिस मार्केट को वह कंपनी टारगेट कर रही है उस मार्केट का क्या करेगी, अनुसंधान करेगी, यानी उस मार्केट में क्या करेगी, रिसर्च करेगी। ये बातें आपको समझनी है, क्योंकि रिसर्च के बाद से ही ये निर्णय कंपनी ले पाएगी कि कितना इन्वेस्ट करना है और किस तरीके से मार्केटिंग को करना है। ठीक है, आगे है विपणन उद्देश्यों को परिभाषित करना, यानी डिफाइनिंग मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स, और किस तरीके से कंपनी की मार्केटिंग होगी उससे संबंधित जो भी उद्देश्य होते हैं उनको कंपनी क्या करेगी, डिफाइन करेगी। ये बातें हमें समझनी है। ठीक है, फिर आता है छठवां, इसमें कहा गया है कि बाजार की योजना तैयार करना, यानी डिजाइनिंग द मार्केट प्लान। और जब कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर लेती है जो भी मार्केटिंग से रिलेटेड है, उसके बाद से जो भी मार्केट के प्लान होते हैं उनको क्या करती है, कंपनी डिजाइन करती है कि किस तरीके से प्लानिंग होनी चाहिए। ये बातें समझनी है। सातवां होता है विज्ञापन रणनीति का निर्धारण, यानी डिटरमाइनिंग द एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी। किस तरीके से जो भी एडवर्टाइजिंग होगी होनी चाहिए, इसके परिप्रेक्ष्य में कंपनी क्या करती है, अपनी रणनीतियां बनाती है। ये बातें ध्यान में रखने योग्य हैं। फिर अगला आता है आठवां, विज्ञापन लक्ष्यों का निर्धारण, यानी डिटरमाइनिंग द एडवर्टाइजिंग गोल्स। जब कंपनी क्या करती है, अपनी सारी की सारी स्ट्रेटजी बना लेती है एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड, फिर क्या करती है, अपने गोल को सेटअप करती है किस तरीके से किस मार्केट में कितना इन्वेस्टमेंट लगा करके किस परिप्रेक्ष्य में कंपनी क्या करेगी, एडवर्टाइजिंग करेगी, इन सारी की सारी बातों का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, नौवां आता है विज्ञापन बजट की तैयारी, यानी प्रिपेयरिंग द एडवर्टाइजिंग बजट। अब कंपनी कितना खर्च करने वाली है एडवर्टाइजिंग पर, ठीक है, इन सारी की सारी बातों का निर्धारण कंपनी करती है। अब एडवर्टाइजिंग बजट क्या होता है कि विज्ञापन बजट क्या होता है, इसको हम लोग आने वाले वीडियोस में समझ लेंगे, पढ़ लेंगे। आप लोग वहाँ जा करके वीडियोस देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा कि विज्ञापन बजट किसे कहते हैं, उसकी विस्तृत जानकारी आपको वहाँ मिल जाएगी। ठीक है ना, फिर आता है दसवां, विज्ञापन योजना का परीक्षण, यानी टेस्टिंग द एडवर्टाइजिंग प्लान। जब कंपनी क्या करती है, प्लान बना लेती है, स्ट्रेटजी बना लेती है, फिर उसको देखना होता है कि क्या मेरा यह प्लान काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जो पहले कंपनी जिस मार्केट को टारगेट की होती है उसी मार्केट में जा करके अपने प्लान को क्या करती है, वहाँ पे टेस्ट करती है कि क्या यह मेरा प्लान यहाँ पे अच्छा हो रहा है, अच्छा साबित हो रहा है कि नहीं साबित हो रहा है। फिर अगला आता है ग्राहमा, विज्ञापन योजना का क्रियान्वयन, यानी एग्जीक्यूटिंग द एडवर्टाइजिंग प्लान। और फिर क्या करती है, वह जो भी एडवर्टाइजिंग प्लान होता है वहाँ पे उसका क्रियान्वयन करती है। क्रियान्वयन करने का मतलब है कि उस मार्केट को वहाँ पर ध्यान में रख करके, टारगेट मार्केट को ध्यान में रख करके कंपनी क्या करती है, वहाँ पर उसका क्रियान्वयन करती है, यानी वहाँ पर एडवर्टाइजिंग कराती है जो भी टारगेट मार्केट होता है उसके बारे में। ठीक है ना, बारहवां और अंतिम है कि विज्ञापन योजना का मूल्यांकन, यानी इवैल्यूएशन ऑफ एडवर्टाइजिंग प्लान। अब जब क्या होता है, एडवर्टाइजिंग सही तरीके से जो भी टारगेट मार्केट है वहाँ पर कंपनी करती है, फिर वह उसका ध्यान रखती है, मूल्यांकन करती है कि जो मेरे द्वारा एडवर्टाइजिंग मेरे टारगेट मार्केट में किया गया है
क्या यह मार्केट में किया गया एडवर्टाइजिंग पर खर्च मेरा सही रंग ला रहा है कि नहीं ला रहा है, यानी जो भी मार्केटिंग मेरे द्वारा की जा रही है, जो भी मेरे द्वारा एडवर्टाइजिंग की जा रही है, क्या यह इफेक्टिव है कि नहीं है, क्या यह मार्केट के कैप्चरिंग में हमारी सहायता कर रही कि नहीं कर रही है, क्या इससे हमें प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या जब कोई भी कंपनी एडवर्टाइजिंग कर रही है तो उसके द्वारा एडवर्टाइजिंग पर किए गए खर्च से उसकी सेलिंग बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। तो इन तमाम तरह की बातों का ध्यान रख करके कोई भी कंपनी अपने वहाँ पर विज्ञापन योजनाएं बनाती है, यानी एडवर्टाइजिंग प्लानिंग करती है। इन बातों का हमें ध्यान रखना है। अगर आप लोग आगे जा कर के कहीं पे भी एडवर्टाइजिंग प्लानिंग करते हैं तो इन सारी की सारी बातों का ध्यान रखेंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन सारी की सारी बातों का ध्यान रखेंगे, आपके एग्ज़ाम में काम आएगा। मेरे अपने साथियों, हम लोगों ने आज पढ़ा कि विज्ञापन योजना किसे कहते हैं, यानी एडवर्टाइजिंग प्लानिंग क्या होता है। यदि आपके पास कोई प्रश्न होता है तो निश्चय ही आप लोग अपने सारे के सारे प्रश्नों को जरूर बताएं, आपको सही प्रश्नों का उत्तर हम लोग जरूर देंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।